राजकीय प्राथमिक विद्यालय चापरिया नाडा में वार्षिकोत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। सायलापुर क्षेत्र के जालमपुरा ग्राम के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चापरिया नाडा में वार्षिकोत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन उप तहसीलदार बाबूलाल के मुख्य अतिथि में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच लीलाराम चौधरी ने की। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते कार्यवाहक पीईओ अकबर खान, जीवाणा चौकी प्रभारी बाबूलाल, समाजसेवी रमेश कुमार सोनी पुनासा, भाजपा मंडल अध्यक्ष तुलसाराम चौधरी, उदय सिंह मेड़तिया व सुखदेव सिंह राजपुरोहित मौजूद थे। कार्यक्रम का आगाज माँ शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान बालक बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में भामाशाहों व प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया व पांचवी के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप तहसीलदार बाबूलाल ने सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। तुलसाराम ने शिक्षा एवं क्षेत्र के विकास में के लिए हमेशा सहयोग करने की बात कही। कार्यक्रम में मन संचालन सुरेश कुमार ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक सुमन कुमारी ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान एसएमसी अध्यक्ष गीगाराम, भीमाराम प्रजापत, लक्ष्मण चौधरी, रघुनाथ राम चौधरी, कानाराम, अर्जुन सेन, महेंद्र चौधरी, बगा भारती, नवाराम, हरमत सिंह, भीबाराम, नीरूबाला, रचना व जयलता सहित कई जने मौजूद रहे। भविष्य की कामना करता हूं कि पढ़ाई में भी उच्च स्तर प्राप्त करें एवं संस्कारों के माध्यम से अपने परिवार में अपने माता पिता गुरुजनों का आदर सम्मान बढ़ते हुए अपने जीवन को उच्च शिखर तक पहुंचाए और अपना और अपने इस गाँव का नाम रोशन करें। मुझे आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका खूब खूब आभार। दूसरी बात, यहाँ कमरा की कमी है। एक कमरा तो अपन ग्राम पंचायत से अभी कर रहे हैं और दूसरे के लिए अपन एमएलए साहब से निवेदन किया हुआ है, वो देंगे तब होगा। चार दीवारी के लिए भी अपना एस्टिमेट बना हुआ है। सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि जिस समय ये स्कूल बनी और इस जमीन का जो आवंटन हुआ था वो आवंटन ऑन रिकॉर्ड आज की डेट में नहीं बता रहा। बिना जमीन आवंटन के अपन कुछ करने जाएगा, सरकारी पैसा वहां पे नहीं लगा सकता। ये नाडे की जो जमीन है ये गोसर है, भामाशाह ने जमीन दे रखी थी, उस समय पता नहीं कैसे करके वो भवन बना दिया। अब इनके लिए वापिस भामाशाह से बात हुई तो उन्होंने बोला है कि अगर नामे नहीं हुई है तो हम स्कूल के नाम आज भी करवाने के लिए तैयार है। तो एक बार ये नाम करवा के फिर ये अपन चार जीवन योजना अपने कर पाएंगे। मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। स्टेज प्रोग्राम जो प्रोफेशनल कलाकार होते हैं उस तरह से प्रोग्राम दे रहे थे। छोटे बच्चे देहात क्षेत्र बहुत दूर दराज बहुत सुंदर दे रहे थे। उसके लिए भी बहुत बहुत मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ।